मोहब्बत की निशानी ताजमहल के अंदर मस्जिद में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने नमाज अदा की। ईद के इस मौके पर ताजमहल की मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और नमाज के बाद उन्होंने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही नमाज के दौरान देश में अमन और चैन की दुआएं मांगी गई। आपको बता दें कि लंबे समय से कोरोना काल की वजह से ताजमहल बंद था और ईद की नमाज अदा नहीं की गई थी, लेकिन इस बार सभी मुस्लिम भाइयों को ताजमहल के साए में नमाज अदा करने का मौका मिला, तो बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर नमाज अदा की और एक दूसरे के गले मिलकर दिली मुबारकबाद दी, साथ ही अमन चैन की दुआ मांगी। भाई आज ईद के दिन बहुत अच्छा माहौल रहा। ये लगभग थोड़ा थोड़ा अगर कम करते हैं तो कोविड को लेकर के जो 3 महीने का 3 साल का जो टाइम था, 3 साल के बाद पहली बार इतनी अच्छी नमाज हुई है और इस नमाज में सबसे पहले कोविड को समाप्त करने की बात की हमने। उसके बाद हमने बात की है मुल्क में अमन चैन की दुआ की है और जो वानी हैं मिस्टर वानी, उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल गलत है। पूरी तरह मुसलमान हर तरीके से सरकार के साथ है, चूँकि सरकार चाहती है कि किसी भी तरह मुसलमान के साथ कहीं कोई ज्यादती ना हो, इसलिए मुसलमान उसके साथ। डीजी माजनी, उसके लिए ब्यूरो रिपोर्ट।